हिंदी बुक से कक्षा 9वीं में यमराज की दिशा का पढ़ेंगे, काव्य पाठ और वर्णन पढ़ेंगे। यमराज की दिशा, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोल लेती है। भावार्थ है, यमराज की दिशा भावार्थ इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ के ईश्वर का विश्वास का वर्णन किया है। क्या किया कवि ने? अब जो अपनी माँ के ऊपर से अपने विश्वास का वर्णन किया गया है, और लेखक कहते हैं कि यह बहुत कठिन, लेकिन उनकी माँ विश्वास दिलाती थी कि ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती, ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार जिंदगी जीने का, दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है, इससे समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। माँ एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, यमराज को क्रुद्ध करना है, बुद्धिमानी की बात नहीं। कवि कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थी, शिक्षाओं में से एक यह दी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना। दक्षिण दिशा में यमराज मृत्यु के देवता निवास करते हैं, और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा। दक्षिण दिशा में हमारा सोना उचित नहीं है, ना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां हमेशा दक्षिण में हो। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या बताया था? कि बच्चों में के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है इसमें, इस पंक्तियों में, और यमराज के घर का पता पूछने लगता है उससे, इसका वर्णन है। तो माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं, उसे पता चलता बच्चे में किस तरह समझा। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहां पर भी रहो दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिण पंथी विचारधारा को यमराज बताया गया है, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में आता है हमेशा सभ्यता संस्कृति का नाश होता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। फिर है माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में कि मुझे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। कभी नहीं, यहाँ पर माँ के बार बार समझाने के लिए दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोने का बताया। इस चीज का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी परेशानी नहीं आती। अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख की याद आई तो वह दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ आया उसे, जब वह बड़ा हुआ फिर उसी सीख का अमल करते उन्होंने दक्षिण पंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। इससे यह फायदा हुआ कि दूर रहकर उनकी त्रुटियों का आभास होने लगा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। इसमें यमराज के घर देखने के लिए कवि ने दक्षिण दिशा में दूर दूर तक का वर्णन करा है और बताया कि दक्षिण में दिशा में यात्रा करता हूँ अगर तो हर समय उसे अपने माँ की दी हुई सीख याद आती है। दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, इसी कारण वैसे यमराज का घर पूछने में लग जाता है वह। लेकिन कवि को कभी यमराज का घर नहीं मिला, उनके अनुसार दक्षिण दिशा का छोर चेते बहुत दूर था जिस तक कभी कभी पहुंच नहीं पाए, और इसी वजह से उन्हें यमराज का घर भी नहीं मिल पाया। इसका अर्थ है कि दक्षिण पंथी विचारधारा की ओर बढ़ा हर बार उसे अपने माँ के द्वारा दी हुई सीख की याद आती रही, और यही कारण है कि वह कभी भी दक्षिण विचारधारा को नहीं अपना पाया। पर आज इधर जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महत्व है और
जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों का सहित विराजते हैं। यमराज की दिशा का यहाँ पर भवन बताया कि कवि के अनुसार उनकी माने जब उन्हें सीख दी थी तब वह यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में ही समझते थे, क्योंकि उनकी माँ ने बताया हुआ था। इसलिए जिधर भी पैर करके सो कवि को वही दक्षिण दिशा लगती थी। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। कवि जिस दिशा में पैर करके सोता है वह उसी दिशा में यमराज के बड़े बड़े आलिशान महल नजर आने लगते उसे। उन इमारतों में यमराज की देखती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती। इसका अर्थ है कि पहले दक्षिण पंथी विचारधारा का खतरा केवल उनके कुछ गिने चुने लोगों को ही था, पर अब आज ऐसा नहीं है और अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके। इसलिए अब हम किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं है। विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। लेखक के अनुसार माँ के जाने के बाद उपरांत वह दिशा भी बदल चुकी थी और विस्तार भी हो चुका था उस दिशा का। इसलिए माँ के द्वारा किसी भी काम का नहीं रहा और लेखक जिस दिशा में पैर करके सोने की कोशिश करता है हर तरफ लंबी लंबी इमारतें नजर आती रहती है और यमराज की आंखें उसे नजर आती है। इसका अर्थ है चारों ओर पूंजीपतियों का आवास है, साधारण जनता का शोषण में लगे हुए हैं लोग। इसके लेखक कौन है? चंद्रकांत देवताले हैं। इसका भी पाठ किए चंद्रकांत देव लेखक और इनकी रचनाएं हैं। 1936 में जन्म हुआ इनका इंदौर में और इनकी रचनाएं हड्डियों में छिपा ज्वर, है ना। लेखक ने अपनी यमराज की दिशा दक्षिण दिशा के बारे में यहाँ पूरा वर्णन किया गया। अब हम प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न उत्तर क्या है। कभी प्रश्न है, कभी को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? उत्तर है माँ के बारे में बार बार अर्थात बचपन से मिले गहरे संस्कारों के कारण वह दक्षिण दिशा पहचानने में उसे मुश्किल नहीं हुई। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं था? दक्षिण दिशा का कोई छोर नहीं है, अनंत है, इसलिए उसे लांग लेना संभव है नहीं था। और शोषण व्यवस्था का कोई निश्चित संकल्प नहीं होता, यह मनोभावना नए रूप में धारण रहती है, अमर रहती है, इसलिए कोई हमेशा हमेशा के लिए इसे मुक्त नहीं कर सकता। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई? कवि के अनुसार दक्षिण दिशा दक्षिण पंथी विचारधारा या पूंजीपति विचारधाराओं का प्रतीक है। विचारधारा पूंजीपतियों और शोषकों को बढ़ावा देती है। आज की स्थिति देखकर लगता है कि आज सब और पूंजीवादी शोषकों का बोलबाला हो गया है, तभी मनुष्य का शोषण हो रहा है। भाव स्पष्ट करें, सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती विराजती हैं। तो क्या है इधर उत्तर? कभी कहता है कि क्या कहता है कभी कि शोषण करने वाले लोग यमराज की भांति दूर हैं, सर्वत्र ठाट बाट से रहते हैं, सब जगह उनका एक ऐसा हाल है, क्रोध घृणा आदि की क्रूरता से भरे हुए सबके साथ में कठोरता से पेश आते हैं। कौन? पूंजीपति लोगों के बारे में यमराज का होता है। कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग देती है। आपकी माँ भी कभी समय समय पर सीख देती होगी। वह आपको क्या सीख देती है उसके बारे में अधिक पढ़ती है जानकारी, यदि हाँ तो क्यों नहीं, यह वर्णन बताए। तो मेरी माँ मुझे समय समय